सिंहनघाट के अनेक प्रभाग में निर्माण हुए पानी की किल्लत की समस्या के बारे में नगरपालिका की ओर से उपाय योजना किए जाए। अमृत योजना अंतर्गत शुरू काम मल निस्तारण और जल आपूर्ति करने में किए गए विकास कामों में भ्रष्टाचार हुआ है। 8 अप्रैल को शिवसेना द्वारा शासकीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में आरोप लगाए गए। अमृत योजना के तहत जल निकासी और जल आपूर्ति के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है। शिवसेना नेता और पूर्व सांसद जिला संपर्क प्रमुख अनंत गुड़े ने लोकार्पण समारोह आयोजित होने पर आपत्ति जताई। शासकीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान काम अधूरे होने के बावजूद भव्य पैमाने में लोकार्पण किया गया। सत्ता पक्ष ने अमृत योजना से 12 नई पानी की टंकियों और फिल्टर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद भी नई पाइपलाइन के जरिए लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मुहैया कराया, यह सवाल इस समय उठाया गया। यह पूछे जाने पर कि इसमें आपकी क्या भूमिका होगी, तब पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि वह पुरानी योजना को सुलझाने की कोशिश करेंगे और हिंगनघाट के लोगों को राहत देने का प्रयास करेंगे। संबंधित दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग सरकार द्वारा की जाएगी। आवाज उठाने की बात कही इस वक्त शिवसेना जिलाध्यक्ष अनिल देवतारे, उप जिला प्रमुख राजेंद्र खूबसरे, डॉक्टर उमेश तुलस्कर, सतीश धोबे, श्रीधर कोटकर और शिवसेना के कई पदाधिकारियों कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। सन्माननीय अनंतराव जी गुड़े साहब हे आपल्याशी या विषयावर बोलणार आहे। मी हिंगणघाट शहरातील सर्व पत्रकार बंधूंचे शिवसेनेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो आणि या पत्रकार परिषदेला आपण सुरुवात करावी अशी आपल्याला विनंती करतो। आपल्याला शिवसेनेच्या वतीने हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए रवि येनोरकर की रिपोर्ट।